फाइनली दोस्तों, पैनासोनिक ने भी अपना न्यूली कैमरे को लॉन्च किया है, जो पैनासोनिक का लुमिक्स S9 कैमरा है। अगर मैं इस कैमरे के टारगेट ऑडियंस की बात करूं, तो स्पेशल जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, इन कैटेगरी के लिए स्पेशल इस कैमरे को डिज़ाइन किया गया है। हर एक कंपनी को पता है कि इस समय जो सोशल एक्टिविटी है, चाहे यूट्यूबर्स की बात करूँ, ब्लॉगर्स की बात करूँ, जिनका क्राउड है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो हर एक कंपनी देखिए इस कैटेगरी में अब काम कर रहा है। स्पेशली अगर सोनी की बात करूँ, जहाँ पे एक प्रॉपर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ZV-1F कैमरा देखने को मिल जाता है, ZV-E10, E10 Mark II लॉन्च हो गया है, प्रोफेशनल लेवल पे ZV-E1 कैमरा लॉन्च हो गया है। अब अगर मैं पैनासोनिक के एंट्री लेवल के ब्लॉगिंग की बात करूँ Z100 की, तो वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था जिस तरह से सोनी की जो एंट्री लेवल के ब्लॉगिंग कैमरे हैं जितने पॉपुलरिटी है। तो यहाँ पे वो एक स्टार्टिंग में उसका बेस मॉडल है, और यहाँ पे एक फुल फ्रेम फ्लैगशिप वो ब्लॉगिंग कैमरे को लॉन्च किया है। अगर मैं इस कैमरे की बात करूँ, देखिए कैमरा फुल फ्रेम कैमरा है, पैनासोनिक का S9 मॉडल है। अगर आप इस कैमरे को देखेंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही लाइट वेट आपको ये कैमरा देखने को मिलेगा। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्लैट टॉप सरफेस आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट कैमरा है। ग्रिप की साइड की बात करूँ, तो कोई भी ग्रिप का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। हैंडलिंग के लिए आपको एडिशनल ग्रिप परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं कलर वेरिएंट की बात करूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप के आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। वो आपकी चॉइस है कि कौन सा कलर आप परचेस करना चाहते हैं। कैमरा वेट की बात करूँ बॉडी की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 486 ग्राम का बॉडी वेट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्लैट सरफेस होने की वजह से आपको वन हैंड कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको स्पेशली गोरिल्ला पोर्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा इस कैमरे में, या फिर एडिशनल जो ग्रिप आपको साथ में देखने को मिल रहा है उसको परचेज करना पड़ेगा। स्पेशली ये कैमरा है कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉगर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें आपको EVF का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही बात करो इसका LCD पैनल की, तो यहाँ पे वेरी एंगल का फुल टच कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाता है। USB पोर्ट्स की बात करूँ, तो C टाइप का फास्ट या फिर पावर डिलीवरी और डाटा ट्रांसफर के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। MicroSD ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक्सटर्नल माइक अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बटन एंड लेआउट्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए वीडियोज़ के लिए ज़्यादा इस कैमरे को फोकस किया गया है, तो ज़्यादा बटन एंड ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे अगर टॉप सरफेस की बात करूँ, ऑन ऑफ का बटन दिख जाएगा आपको, एक्सपोजर कंपनसेशन दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग बटन दिख जाएगा, और अपर्चर डायल आपको देखने को मिल जाएगा। बैक साइड अगर देखेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट में कुछ इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, जो कि लट सप्लाई जो करते हैं आज के टाइम पे, क्या है, जो भी थोड़े से प्रोफेशनल कैमरे में है उसमें आप कस्टम लट्स को अप्लाई कर सकते हो, और बट इसमें क्या है ना, एक्स्ट्रा में एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। मींस जो लुमिक्स का जो ऐप आएगा ना, लुमिक्स लैब जो एप्लीकेशन आएगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट इस कैमरा में लट इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप प्रेस करते ही आप लट्स को अप्लाई कर सकते हो, तो ये बटन लेआउट्स आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा की अगर मैं कुछ हाईलाइट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सेंसर की अगर मैं बात करूँ, इस कैमरे में 24 मेगापिक्सल का FSI सेंसर आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ, तो वीनस इंजन प्रोसेसर का इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो इस कैमरे को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड बनाता है। साथ ही साथ जो कैमरा है बहुत कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, स्पेशल ब्लॉगर्स के लिए डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको बताया। और पैनासोनिक की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपको सुनने को ये मिल रहा है। इवन प्रैक्टिकली जो किए हैं वो बता रहे हैं कि पैनासोनिक ये कहती है कि जब भी आप किसी फुटेज को शूट करते हैं, तो आपको एडिट भी करना पड़ता है, फिर शेयर करना पड़ता है, लेकिन वो एक्चुअल में कहती है कि आप शूट तो कीजिए, लेकिन एडिट की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। मतलब जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहा, जो कलर्स आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा है। अगर आपका शूट परफेक्ट है, आपको एडिट की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप कम एडिट के साथ डायरेक्ट इसको पोस्ट कर सकते हैं। एडिट को बिल्कुल ही कट कर दिया गया है, मतलब आप एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी फुटेज को शूट करते हो, जैसे कि आपने लैंडस्केप में शूट किया, और 69 की रेशियो में काफ़ी लोग क्या करते हैं, कैमरे को पोर्ट्रेट मोड में कर लेते हैं, तो 9:16 रेशियो का शूट हो जाता है, बट वहाँ पे भी वो 69 रेशियो का ही वहाँ पे फुटेज को शूट करता है, क्योंकि उसमें इंटरनल फीचर्स तो है नहीं रोटेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप फिर उसको प्रीमियम जैसे सॉफ्टवेयर में या फिर मोबाइल में जाके सॉफ्टवेयर में जाके एस्पेक्ट रेशियो को वहाँ पे क्या करते हो, सेट कर देते हो। बट इन कैमरा पैनासोनिक S9 में
काफ़ी सारे एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे शूट करना चाहते हो, रील शॉर्ट के लिए, इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्ट आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म के लिए। कैमरे में अगर मैं हाई वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ, क्योंकि ये जो कैमरा है ना स्पेशली ब्लॉगर्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन करके बनाया गया है, तो कैमरा मैक्स रेजोल्यूशन की बात करो तो 6K ओपन गेट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। 30p में शूट कर सकते हो, 10 bit 4:20 पे आप शूट कर सकते हो, साथ ही साथ 4K 25, 34, 30p में आप ओपन गेट शूट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10 bit 4:20 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और ओवर सैम्पलिंग की बात करो तो कैमरा 4K में 6K का ओवर सैम्पल्ड वीडियो आपको देखने को मिलता है। कैमरे में DCI 6K, DCI 4K का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरे में अगर मैं DCI 4K 60p की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रॉप फैक्टर देखने को मिलेगा, ज़्यादा कलर डेप्थ, ज़्यादा डायनेमिक रेंज के लिए इसमें लॉग प्रोफाइल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, HLG जैसे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कैमरे में ना जब आप 4K वीडियो को शूट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल में, मान लीजिए काफ़ी सारे यूज़र ऐसे होते हैं जो मोबाइल सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, तो 4K जैसे जब आप फुटेज को आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वो हैंग भी होता है। अगर जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल है थोड़ा सा ओल्ड है उसका, तो यहाँ पे हैंग हो सकता है। तो स्पेशली कैमरा में 4K MP4 लाइट वर्जन दिया हुआ है। MBPS की बात करूँ बिट रेट की, तो 50 MBPS बिट रेट का सपोर्ट मिलता है, तो वो लाइट वर्जन को शूट कर सकता है, उसके बाद एडिट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कमी लगा जो ना उसकी मैक्स बिट रेट, मतलब मैं सोच रहा था कि जिस प्राइस में ये कैमरा है यहाँ पे डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मैक्स बिट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे 6K भी अगर आप शूट करते हो तो मैक्स बिट रेट आपको 200 MBPS बिट रेट का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कमी लगा इस कैमरे में। साथ ही साथ थोड़ा सा जो कमी लगा ना इसका ग्रिप को लेके, कि बहुत ज़्यादा फ्लैट ग्रिप है। ऑफकोर्स काफ़ी स्लिम कैमरा है, नो डाउट काफ़ी अट्रैक्टिव कैमरा आपको लगेगा देखने के बाद, 4 डिफरेंट कलर्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनल इन कैमरा थोड़ा सा आपको ग्रिपिंग देना था, क्योंकि एक्सटर्नल आप परचेज करोगे ठीक है, या फिर गोरिल्ला पॉड में डायरेक्ट यूज़ करोगे, तो ये थोड़ा सा मुझे और कमी लगा इसमें। कैमरा में अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ तो आपको टॉप डायल्स में डायरेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ना एक और सेटिंग्स दिया हुआ है टॉप डायल में, इंटेलिजेंट ऑटो मोड भी दिया हुआ है। मीन्स अगर आप नए हो थोड़ा सा इस मामले में, मतलब कैमरा नहीं यूज़ किए हो अभी, नए हो, तो आप ऑटो इंटेलिजेंट का यूज़ कर सकते हो, चाहे फोटोशूट करो, वीडियो शूट करो, आपको करेक्ट एक्सपोजर देने का पूरा कोशिश करेगा। फोटोग्राफी की बात करो तो ऑफकोर्स इस कैमरे से फोटोग्राफी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि कैमरे में देखो यहाँ पे UVF का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, वेरिंगल मिलता है, LCD पैनल जो कि 1.84 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिला, बेनिफिट मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ना एक्शन शूट करते हो तो। इलेक्ट्रॉनिकली ये जो कैमरा है ना 30 FPS ब्रश शूट कर सकता है, मैकेनिकली शटर इस कैमरे में देखने को नहीं मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिकल 30 FPS शूट कर सकते हो। इन कैमरा में अगर मैं बात करूँ 5XS बॉडी VR दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है कि उसको लेस नहीं किया गया है, बॉडी VR दिया है जो 5XS का VR सपोर्ट करता है। साथ ही साथ उनके जो VR लेंसेज है जहाँ पे आपको 6.5X का VR सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लेंसेज की बात करूँ तो बेसिक जो इसके लेंस आते हैं 20-60 जैसे लेंस आते हैं उनके साथ आप जा सकते हो, स्पेशली अगर ब्लॉगर जैसी कैटेगरी के लिए आप जाना चाहते हो तो 26mm का भी आप लॉन्ग लेंस ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है F2 के साथ, इस लेंस कैटेगरी में भी आप जा सकते हो। कैमरा बैटरी की बात करो तो देखिए इस कैमरे में VLK22 बैटरी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फोटोग्राफी की बात करो तो 500 शॉर्टेज क्लिक कर सकता है। फोटोग्राफी की बात करो तो यहाँ पे आपको 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास आपको आराम से बैकअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो आपको सी टाइप का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है उसको आप एज अ पावर डिलीवरी के तौर पे यूज़ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली पैनासोनिक ने काफ़ी अच्छा कोशिश किया है कि एक ऐसा कैमरा बनाया जाए यूजर्स के लिए, जो कि जो ज़्यादा उनको एडिट ना करना पड़े, अच्छे कलर टोन आपको देखने को मिल जाए, वो डायरेक्ट कम एडिट के साथ इसको पोस्ट कर सके। तो पैनासोनिक तो ये कहती है कि अब एडिट की ज़रूरत ही नहीं है, बट मेरा तो कहना है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्किल्स है आपके अंदर तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कोई ऐसे यूज़र होंगे बिना एडिट के अपने क्लाइंट को या खुद की फ़ोटो या वीडियो को पोस्ट करते होंगे। इस कैमरे की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर डॉलर प्राइस अभी आया है, इंडिया प्राइस नहीं आया है, तभी 1498 के आसपास जो डॉलर प्राइस दिखाया जा रहा है
कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1,24,000-25,000 हो रहा है। इंडिया में आने के बाद कुछ टैक्स ऐड होने के बाद 1,30,000-1,35,000 के भी आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन में देख रहा हूँ तो फूजी फिल्म का XS20 का डायरेक्ट कंपैरिजन प्राइस पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस कैमरे में भी आपको ओपन गेट 6K का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी ओपन गेट 6K का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो पैनासोनिक की तरफ से देखिए ब्लॉगिंग सीरीज है, फूजी फिल्म का भी ब्लॉगिंग सीरीज वो है दोस्तों। दोनों में अगर आप कंपैरिजन चाहते हो कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका वीडियो भी ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, कुछ भी अगर क्वेश्चन आपका होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहता हूँ। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों एक नई वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए।